नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। परसों सोमवार 1 नवंबर से सभी को कुछ महत्वपूर्ण बदलाव का सामना करना पड़ सकता है, जिसका सीधा परिणाम आम नागरिकों द्वारा किए जाने वाले खर्च पर पड़ेगा। पता चला है कि अक्टूबर माह खत्म होते ही 1 नवंबर से बैंक के शुल्क, रेलवे टाइम टेबल व LPG बुकिंग सहित कई नियम बदल जाएंगे, जिसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। 1 नवंबर से बैंक में पैसे जमा करने व बैंक से पैसे निकालने जैसे सभी कामों के लिए शुल्क लागू हो सकता है, यानी अब बैंक में पैसे जमा करने के लिए भी शुल्क अदा करना होगा। इसके साथ ही परसों से समूचे देश में रेलवे टाइम टेबल में भी बदलाव हो जाएगा, जिसके तहत 13,000 यात्री ट्रेनों व 7,000 मालगाड़ियों के समय में बदलाव किया जा रहा है। साथ ही 30 राजधानी ट्रेनों का टाइम टेबल भी बदल दिया गया है। इसके अलावा गैस बुकिंग के नियमों में भी कुछ बदलाव हो सकता है। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आगामी वर्ष 2022 में ली जाने वाली कक्षा 10वीं व कक्षा 12वीं की परीक्षा में निजी तौर पर 17 नंबर का फॉर्म भरकर शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए 22 नवंबर से 6 दिसंबर के दौरान ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अतः संबंधित विद्यार्थियों द्वारा इस अवसर का लाभ लिया जाना चाहिए, ऐसा आह्वान शालेय शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ द्वारा किया गया है। आगामी वर्ष 2022 में फरवरी माह के दौरान अमरावती महानगरपालिका का आम चुनाव होना प्रस्तावित है, जिसके लिए विगत अगस्त माह से राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मनपा प्रशासन द्वारा शहर में वार्ड व प्रभाग रचना का काम किया जा रहा है। पहले एक सदस्यीय वार्ड पद्धति से चुनाव करवाने की बात कही गई थी, वहीं बाद में सरकार ने 3 सदस्यीय प्रभाग पद्धति से चुनाव करवाने का निर्णय लिया। ऐसे में अब मनपा प्रशासन को एक सदस्यीय वार्ड रचना का काम बीच में छोड़कर 3 सदस्यीय प्रभाग रचना का काम नए सिरे से शुरू करना पड़ा। वहीं अब राज्य सरकार ने विगत दिनों महानगरपालिका व नगरपालिका की सदस्य संख्या में 17% वृद्धि करने का निर्णय लिया। ऐसे में अब अमरावती मनपा में 87 की बजाय 98 सीटों के लिए चुनाव करवाया जाएगा, जिसके लिए 33 प्रभाग तैयार करने पड़ेंगे, जिसमें से 32 प्रभागों में 3-3 तथा 1 प्रभाग में 2 सदस्य रहेंगे। ऐसे में मनपा प्रशासन को अब एक बार फिर नए सिरे से अमरावती में प्रभागों का विभाजन व परिसीमन करना होगा, जिसके लिए प्रशासन ने 1 माह की डेडलाइन तय की है और इस हेतु प्रशासन को राज्य सरकार व राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से गाइडलाइन मिलने की प्रतीक्षा है। पता चला है कि आगामी सोमवार यानी परसों तक इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, जिसके बाद आगामी 1 माह के भीतर मनपा प्रशासन द्वारा प्रभाग रचना की प्रक्रिया को हर हाल में पूर्ण किया जाएगा। विगत वर्ष दीपावली सहित सभी तरह के पर्व एवं त्योहारों पर कोविड की संक्रामक महामारी का काला घना साया मंडराता रहा और सभी त्यौहार सन्नाटे की भेंट चढ़ गए, लेकिन अब संक्रमण का खतरा कम होने और प्रतिबंधात्मक नियमों के शिथिल होने के बाद दीपावली पर्व पर पहले की तरह चहल पहल दिखाई दे रही है और बाजारों में दीपावली पर्व से पहले की जाने वाली खरीदारी की रौनक काफी हद तक लौट आई है। हालांकि इस बार सभी वस्तुओं की कीमतों पर महंगाई का असर देखा जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद पूरे जोशो खरोश के साथ दीपावली का पर्व मनाने को लेकर लोगों में काफी हद तक उत्साह भी है। इस समय शहर में जगह जगह पर लक्ष्मी मूर्तियों सहित लक्ष्मी पूजन हेतु आवश्यक पूजन सामग्री की दुकानें भी सजनी शुरू हो गई हैं और सभी प्रतिष्ठित शोरूम व प्रतिष्ठानों में भी अच्छी खासी ग्राहकी चल रही है। दीपावली पर्व के दौरान बड़े पैमाने पर आतिशबाजी की जाती है, साथ ही लक्ष्मी पूजन वाली रात जमकर पटाखे फोड़े जाते हैं। प्रतिवर्ष आतिशबाजी की वजह से आग लगने की छिटपुट घटनाएं घटित होती हैं। इस बात के मद्देनजर जहां एक ओर मनपा प्रशासन द्वारा सभी नागरिकों से आतिशबाजी करते समय और पटाखे फोड़ते समय तमाम तरह की सावधानियां बरतने का आह्वान किया गया है, वहीं दूसरी ओर ऐसी किसी भी घटना से निपटने के लिए अग्निशमन विभाग को भी पूरी तरह से मुस्तैद किया जा रहा है, ताकि स्थिति पर तुरंत काबू पाया जा सके। अमरावती महानगर पालिका को अब तक GST का अनुदान नहीं मिला है, जिसकी वजह से मनपा कर्मियों का वेतन अदा करने में महानगर पालिका फिलहाल असमर्थ है। इसका सीधा मतलब है कि इस बार महानगर पालिका कर्मचारियों की दीपावली वेतन के बिना ही मनेगी। महानगर पालिका में 1,500 नियमित तथा 700 से 800 ठेका नियुक्त कर्मचारी कार्यरत हैं, साथ ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संख्या भी करीब 3,000 के आसपास है, जिनके वेतन व पेंशन के तौर पर महानगर पालिका को प्रतिमाह 2.5 करोड़ रुपए अदा करने पड़ते हैं। अतिवृष्टि व बाढ़ प्रभावित किसानों को दी जाने वाली सहायता निधि में अमरावती जिले का समावेश नहीं किया गया था। ऐसे में जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर तथा संभागीय आयुक्त पीयूष सिंह द्वारा सरकार से संपर्क करते हुए किए गए प्रयासों के चलते दूसरे ही दिन शासनादेश जारी हुआ और कुल मांग की तुलना में 75% यानी 127.6 करोड़ रुपए की निधि उपलब्ध कराई गई, जो दीपावली से पहले आपदा प्रभावित किसानों के बचत खातों में जमा करा दी जाएगी, जिसे जिले के किसानों हेतु काफी राहत वाली खबर माना जा रहा है। रिपाई नेता व पूर्व राज्यपाल रासू उर्फ दादा साहब गवई के स्मृति दिवस उपलक्ष्य में गवई स्मारक स्थल पर उनकी स्मृतियों को भावपूर्ण आदरांजलि अर्पित की गई। इस समय राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकुर, विधायक बलवंत वानखड़े, रासू गवई के बड़े पुत्र व सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति भूषण गवई, छोटे पुत्र व रिपाई नेता डॉक्टर राजेंद्र गवई प्रमुख रूप से उपस्थित थे। साथ ही कई गणमान्यों ने उपस्थित रहकर दिवंगत रासू गवई की स्मृतियों का अभिवादन किया।
शहर के बीचों बीच रेलवे स्टेशन चौक से राजकमल की ओर जाने वाले ब्रिटिशकालीन पुल का नूतनीकरण किया जाए, इस आशय की मांग का ज्ञापन पूर्व जिला पालक मंत्री व विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे पाटिल द्वारा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को सौंपा गया। विगत दिनों अमरावती जिले के दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री गडकरी को इस संदर्भ में ज्ञापन सौंपते हुए विधायक प्रवीण पोटे ने कहा कि इस रेलवे पुल का निर्माण ब्रिटिश काल के दौरान 100 वर्ष पूर्व किया गया था और अब यह पुल काफी हद तक जीर्ण शीर्ण हो गया है। ऐसे में बेहद जरूरी है कि इस पुल का नूतनीकरण किया जाए, अन्यथा भविष्य में किसी बड़े हादसे के घटित होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। विगत 12-15 दिनों से पेट्रोल व डीजल के दामों में लगातार उछाल जारी है और ईंधन की दरें लगभग बेलगाम हो गई है। इस समय पेट्रोल 116.30 रुपए प्रति लीटर तथा डीजल 107.38 रुपए प्रति लीटर की दर पर जा पहुंचा है। यदि यह दर वृद्धि ऐसे ही जारी रहती है तो इसी माह के दौरान पेट्रोल 120 रुपए प्रति लीटर व डीजल 110 रुपए प्रति लीटर के स्तर को छू सकता है। विगत 12-15 दिनों से पेट्रोल व डीजल की दरों में रोजाना ही 20-25 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि हो रही है। ऐसे में 10 दिनों के दौरान ही पेट्रोल व डीजल के दामों में प्रति लीटर करीब 2.5 रुपए की वृद्धि हो चुकी है। प्रतिवर्ष दशहरे व दीपावली के पर्व के दौरान सराफा बाजार में अच्छी खासी तेजी देखी जाती है और चमकीली धातुओं के दामों में भी काफी उछाल रहता है, लेकिन विगत 1.5 वर्ष से कोविड संक्रमण और लॉकडाउन जैसे हालात रहने के चलते लगभग सभी लोगों की आर्थिक स्थिति डावाडोल हो गई है। ऐसे में फिलहाल सोने व चांदी की मांग में कोई विशेष तेजी नहीं आई है, अतः सोने व चांदी के दाम लगभग स्थिर है। वहीं धनतेरस के पर्व पर ग्राहकी खुलने की उम्मीद सराफा व्यवसायियों को है। इस समय 24 कैरेट सोना 47,900 रुपए प्रति तोला व 22 कैरेट सोना 45,000 रुपए प्रति तोला के दाम पर बिक रहा है। वहीं चांदी 67,000 रुपए प्रति किलो स्तर पर है। स्थानीय विधायक सुलभा खोड़के के हाथों आज विविध विकास कामों का भूमि पूजन व लोकार्पण किया गया, जिसमें मनपा क्षेत्र अंतर्गत प्रभाग क्रमांक 5 महेंद्र कॉलोनी में 1,82,00,000 रुपए के विकास काम शुरू किए गए। जिले की सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा की ओर से दीपावली के उपलक्ष्य में शहर के सभी जरूरतमंद परिवारों को किराना वितरण किया जा रहा है। इसके तहत अब तक 20,000 जरूरतमंद परिवारों को किराना वितरित किया जा चुका है। वहीं 80,000 परिवारों को दीपावली से पहले किराना मिल सके, इसके लिए युवा स्वाभिमान पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता दिन रात काम कर रहे हैं। स्थानीय जिला व सत्र न्यायालय में कल से दीपावली का अवकाश शुरू हो जाएगा। ऐसे में जारी सप्ताह के दौरान कामकाज के अंतिम दिन जिला व सत्र न्यायालय परिसर में अमरावती जिला वकील संघ की ओर से दीपोत्सव का पर्व मनाया गया। इस समय न्यायालय की पूरी इमारत को आकर्षक रोशनी से सजाया गया, साथ ही न्यायालय की इमारतों की सीढ़ियों पर आकर्षक दीप पंक्ति भी सजाई गई। इसके साथ ही सभी वकीलों ने न्यायाधीशों सहित एक दूसरे को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं भी दी। आमच्या वकील बांधवांच्या घरी लक्ष्मी जाते, ती लक्ष्मी सुखानं नांदते, आम्ही आनंद व्यक्त करतो। मग त्या वास्तूमध्ये दीप प्रज्वलन होणं हेही कर्तव्याचा भाग म्हणून प्रशांत देशपांडेंनी सांगितल्यानुसार गेल्या अनेक वर्षापासून हा उपक्रम आम्ही राबवतो आणि कोरोनाचं सावट हा जो विषय होता हा तर संपतोय आणि इथून पुढचा जो प्रवास आहे हा आनंदमय सगळ्यांचा राहतो। याकरता आपल्या वतीनं मी सगळ्यांना शुभेच्छा देतो, मंगलमय दीपावली सगळ्यांची जाओ। याकरता परत एकदा सगळ्यांना शुभेच्छा। आतापर्यंत या 2.5 वर्षामध्ये कोरोनाचा जो अंधार होता तो आपण सर्वांच्या प्रयत्नांनी कुठेसा दूर करून एक ज्याला आपण पॉझिटिव्ह एनर्जी म्हणून त्या पॉझिटिव्ह एनर्जीचं हे सेलिब्रेशन आहे असं म्हणता येईल। आणि पॉझिटिव्ह एनर्जीचं सर्वात उत्तम प्रतीक म्हणजे दीप। त्या दीपाची त्या तेजाची आराधना करण्यासाठी सगळे न्यायाधीश मंडळी, सगळी वकील मंडळी, वकील संघ, अधिवक्ता परिषद या सर्वांनी एकत्र येऊन स्टाफ हायकोर्टाचा सगळी मंडळी सगळं मनाचं मालिन्य विसरून एक नवा तेज पुन्हा आम्हाला प्रदान हो या प्रार्थनेची प्रार्थना करण्यासाठी या ठिकाणी आज एकत्र झालो आणि मनातला आनंद व्यक्त करणारा सण आहे। त्यानिमित्त सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा, आपल्या सर्वांना खूप शुभेच्छा। गेल्या 2 वर्षापासून आपल्याला माहिती आहे की या कोरोनामुळे सगळे रिस्ट्रिक्शन्स होते, त्यामुळे गेल्या 2 वर्ष आम्ही हा कुठलाही कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणात सादर करू शकलो नाही। पण त्याचं दुःख म्हणत असतानाच आता दिवाळी आली आहे तर लोकांपर्यंत ह्या भावना पोहोचल्या पाहिजे, आनंद पोहोचला पाहिजे या उद्देशाने यावर्षी आम्ही थोडा छोट्या प्रमाणात पण हा दिवाळीचा कार्यक्रम सादर करतो आहे। या कार्यक्रमामध्ये सगळे जजेस मंडळी आणि वकील मंडळी सगळे एकत्र येऊन आम्ही आज हा दीपोत्सव सादर केला आणि येणारं वर्ष हे सर्वांसाठी प्रकाशमय राहावं या अपेक्षा आम्ही सर्वजण आज सगळ्यांकरता संबोधतो आहे की सगळ्यांचं वर्ष हे सुखसुखाटचं कोरोनामुक्त, सगळ्यात महत्त्वाचं सध्या कोरोनामुक्त हा झाला आहे तर कोरोनामुक्त व्हावं अशी अपेक्षा आणि अशी प्रार्थना ईश्वरशेणी करतो। आणि सगळ्या जजेस मंडळींनी वकील मंडळींनी मिळून आज हा छोटेखानी कार्यक्रम करून एका प्रकारे एक नवीन सुरुवात जी आपण आता करू इच्छितो आहे त्याची एक पहल केलेली आहे आणि त्यामुळे सगळ्यांच्या मनात अत्यंत आनंदाचं वातावरण आहे आणि त्यामुळे सगळ्यांना आमच्यातर्फे दीपावलीच्या हार्दिक शुभेच्छा आणि सगळ्यांनाही दीपावली खूप चांगली भरभराटीची जाऊ।
हाल ही में शहर के ख्यातनाम कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर पवन अग्रवाल ने योग प्रशिक्षक राजू डांगे द्वारा संचालित अंतर्राष्ट्रीय योग वर्ग संवाद में शामिल होकर योग साधकों के साथ हृदय संवाद साधा और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए हृदय से संबंधित प्रतिबंधात्मक, उपचारात्मक और संवर्धनात्मक बातें बड़ी सुंदर तरीके से समझाई। तिवसा पंचायत समिति के रोजगार गारंटी योजना विभाग में ठेका पद्धति पर कार्यरत तकनीकी अधिकारी प्रमोद निम्बोरकर की विगत दिनों सड़क हादसे में मौत हो गई थी, जिसके बाद एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हुआ, जिसमें निम्बोरकर ने रोजगार गारंटी योजना के उपजिलाधीश राम लंके से बातचीत करते हुए स्पष्ट तौर पर कहा था कि उन्हें कार्यमुक्त किया जाए और वे आत्महत्या करने जा रहे हैं। साथ ही निम्बोरकर ने यह शिकायत भी की थी कि रोजगार गारंटी योजना विभाग में जबरदस्त भ्रष्टाचार चल रहा है और उन्हें बेवजह कार्रवाई का शिकार बनाया गया है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि निम्बोरकर की मौत सड़क हादसे में हुई है या फिर उन्होंने खुद को हादसे का शिकार बनाते हुए आत्महत्या की। वहीं अब इस मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। युवा सेना जिला प्रमुख श्याम धाने पाटिल द्वारा कुलगुरु डॉक्टर दिलीप मालखड़े को सौंपे गए ज्ञापन में मांग की गई है एमएससी में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की विद्यापीठ द्वारा लूट रोकी जाए। इस ज्ञापन में कहा गया है कि इस वर्ष बीएससी की परीक्षा परिणाम 100% रहने की वजह से एमएससी प्रवेश को लेकर विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है और प्रत्येक महाविद्यालय में एमएससी की केवल 20 सीटें ही उपलब्ध हैं। ऐसे में कई महाविद्यालयों द्वारा मैनेजमेंट कोटे के नाम पर विद्यार्थियों से प्रवेश की एवज में 50 से 60 हज़ार मांगे जा रहे हैं। शेतकरी संगठन द्वारा जिलाधीश को सौंपे गए निवेदन में किसानों को नुकसान भरपाई दिए जाने की मांग करते हुए कहा गया कि विगत वर्ष सहित इस वर्ष भी क्षेत्र के किसानों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा है और अब तक कई किसानों के खेतों में जाकर सर्वे नहीं किया गया बल्कि कार्यालय में बैठकर ही रिपोर्ट तैयार की गई। अतः प्रत्यक्ष पंचनामा करते हुए आपदा प्रभावित किसानों को सहायता दी जाए। अचलपुर तहसील में स्वास्थ्य सेवा हेतु लक्ष्मण राव मानकर स्मृति में एक एम्बुलेंस का उद्घाटन कल ब्राह्मण सभा के सभागृह में सुबह 11 बजे किया जाएगा। इस एम्बुलेंस का लोकार्पण देवनाथ महाराज मठ के मठाधिपति जितेंद्र महाराज के करकमलों द्वारा किया जाएगा। यह एम्बुलेंस केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा स्वास्थ्य सेवा देने के लिए उपलब्ध कराई गई है। जिले में आज केवल एक व्यक्ति कोविड संक्रमित पाया गया, वहीं 2 संक्रमितों को कोविड मुक्त होने के चलते अस्पताल से डिस्चार्ज दिया गया। जिले में इस समय कुल 6 एक्टिव पॉजिटिव मरीज हैं, जिनमें मनपा क्षेत्र के 5 और ग्रामीण क्षेत्र के 1 मरीज का समावेश है। इनमें से 4 मरीजों को कोविड अस्पताल में भर्ती रखा गया है, वहीं मनपा क्षेत्र में 2 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए। बीते 24 घंटे के दौरान 142 नागरिकों की कोविड टेस्ट की गई, जिसमें से 0.70% की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण 98.33% पर स्थिर है। वहीं आज समूचे संभाग में 5 नए संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें यवतमाल के 1, बुल्ढाना के 2 व वाशिम के 1 मरीज का समावेश रहा। साथ ही संभाग में आज 3 मरीज कोविड मुक्त हुए। नागपुर गेट पुलिस थाना परिसर में आज शांतता समिति व परिसर के प्रतिष्ठित नागरिकों की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस उपायुक्त MM मकानदार के मार्गदर्शन व गाड़गे नगर की सहायक पुलिस आयुक्त पूनम पाटिल व वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक पुंडलिक मेश्राम की उपस्थिति में यह बैठक हुई। इस बैठक में 50 से 60 गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। पुलिस एवं गणमान्य नागरिकों द्वारा परिसर वासियों से आह्वान किया गया कि वे सोशल मीडिया पर भड़काऊ वीडियो मैसेज भेजकर शांति का भंग न करें। एक महिला का विनय भंग करने के मामले में आरोपी को हिरासत में लेकर 24 घंटे के भीतर पुलिस ने दोषारोप पत्र न्यायालय में पेश किया। हिरासत में लिए गए आरोपी का नाम वाटपुर निवासी मदन फकीर जी हिरोडे बताया गया है। शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह की विशेष पथक द्वारा शनिवार को फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र के वडरपुरा परिसर में छापामार कार्रवाई करते हुए 7 जुआरियों को हिरासत में लिया गया, पश्चात उन्हें फ्रेजरपुरा पुलिस के हवाले कर दिया गया। आज सुबह SBI बैंक परिसर के ठीक सामने स्थित एक छोटी सी दुकान में शिवनाथ ताड़े ने जाकर महिला दुकानदार को चाकू की नोक पर धमकाते हुए गले में रखी 50,000 रुपए की रकम निकाल ली। इसके बाद आरोपी यहां से भागने की फिराक में था, लेकिन महिला दुकानदार ने अपने साहस का परिचय देते हुए आरोपी युवक का पैसों से भरा हाथ कसकर पकड़ कर रखा और शोर मचाना शुरू किया। इसी बीच लोगों को आता देख यह चोर मौके से भाग निकला। वहीं दूसरी ओर शहर के बस स्टॉप परिसर में शुक्रवार की शाम एक यात्री की जेब से 50,000 रुपए की रकम छीनकर ले जाने का प्रयास करने वाले आरोपी को नागरिकों की सतर्कता से पकड़ा गया, जिसके बाद उन्हें सिटी कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया। गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम रहमान शाह इमाम शाह बताया गया है। KYC कराने के फर्जी मैसेज भेजकर एक सेवानिवृत्त प्राध्यापक के बैंक खाते से 28,13,000 रुपए की रकम अज्ञात जालसाज द्वारा उड़ाए जाने की घटना सामने आई है। मोहन कॉलोनी में रहने वाले अश्विनी कुमार धांडे को विगत 20 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच एक अनजान मोबाइल नंबर से बैंक के KYC का मैसेज मिल रहा था, जिसके बाद अश्विनी कुमार धांडे ने मैसेज में दिए गए नंबर पर संपर्क साधा और अज्ञात जालसाज ने उन्हें अपने झांसे में फांसते हुए उनके बैंक खाते का इस्तेमाल कर 28,13,000 रुपए की रकम उड़ा ली। गोंदिया जिले की तिरोड़ा तहसील के अंतर्गत परसवाड़ा में 29 अक्टूबर की दोपहर 3 बजे निशा जितेंद्र उइके व आयुष जितेंद्र उइके नामक 2 छोटे बच्चों की तालाब में डूब जाने से मौत हुई। इन दोनों बच्चों के माता पिता दिहाड़ी मजदूरी करते हैं।
हिंगोली जिला अंतर्गत गोजेगांव में एक 9 वर्षीय बच्चे की आंख में जलता हुआ फटाखा घुस जाने की वजह से इस बच्चे की आंख पूरी तरह खराब हो गई। पता चला है कि साईनाथ भुगे नामक यह बच्चा अपनी मां के साथ दिवाली मनाने हेतु अपने मामा के यहां आया था, जहां पर वो पटाखे फोड़ रहा था। इसी समय यह हादसा घटित हुआ। कुछ दिन पूर्व नासिक में पटाखे चलाते समय शौर्य लोखंडे नामक बच्चा बुरी तरह से झुलस गया था। ऐसे में बेहद जरूरी हो गया है कि आतिशबाजी करने वाले छोटे बच्चों पर नजर रखी जाए तथा तमाम आवश्यक सावधानियां भी बरती जाएं, ताकि दीपावली पर्व की खुशियां मातम में न बदलें। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।